दोस्तों, विंडो टिकट को लेकर यात्रियों के मन में काफ़ी सारे डाउट होते हैं। जैसे हम ऑनलाइन टिकट करवाते हैं तो ऑनलाइन टिकट का स्क्रीनशॉट लेकर हम ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं बड़े आराम से। क्या उसी प्रकार हम विंडो टिकट की फ़ोटो लेकर अपने फ़ोन में उससे यात्रा कर सकते हैं या नहीं? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप विंडो टिकट की फ़ोटो से यात्रा कर सकते हैं या नहीं। साथ में ये भी जानेंगे कि अगर आपका विंडो टिकट है वो खो जाए, उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रेलवे काउंटर टिकट, जिसे विंडो टिकट भी कहते हैं, उसको लेकर रेलवे ने कुछ नियम बनाए हैं और उन्हीं नियमों के अनुसार हमें यात्रा करनी होती है। रेलवे के अनुसार अगर आपने काउंटर टिकट लिया है तो यात्रा के दौरान आपके पास वो काउंटर टिकट होना चाहिए। अगर आपके पास काउंटर टिकट नहीं है, उसकी फ़ोटो आपके पास है, तो उस स्थिति में आप यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि मोबाइल में जो फ़ोटो है वो मान्य नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर आपने काउंटर टिकट ली है तो ट्रेन के डिपार्चर होने के 30 मिनट बाद भी उस काउंटर टिकट को आप कैंसिल करवा सकते हो और रिफंड ले सकते हो। तो ऐसे में रेलवे ये कहता है कि जब भी आप काउंटर टिकट करवाते हो तो यात्रा के दौरान आपके पास वो टिकट होनी चाहिए। अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आप यात्रा नहीं कर सकते। अगर आपको यात्रा करनी है तो आपको किराया भी देना पड़ेगा और साथ में फाइन भी देना पड़ेगा। तो काउंटर टिकट की जो फोटो है उससे आप यात्रा नहीं कर सकते, वो मान्य नहीं होती। किंतु ऑनलाइन टिकट में ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन टिकट के स्क्रीनशॉट या मोबाइल में आए हुए एसएमएस से आप यात्रा कर सकते हो। रेलवे में उसे वैलिड माना जाता है, पर काउंटर टिकट को वैलिड नहीं माना जाता अगर आप उसकी फ़ोटो अपने मोबाइल फ़ोन में रखते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए कि आपका जो विंडो टिकट है वो यात्रा से पहले ही खो जाता है तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, मान लीजिए आपका जो विंडो टिकट है वो चार्ट बनने से पहले ही खो गया, तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, जिस दिन आपका ट्रेन शुरू हो रहा है यानी कि चार्ट बनने से पहले, तो आप रेलवे काउंटर पे जाएंगे। वहाँ पे डुप्लीकेट टिकट के लिए आप अप्लाई करेंगे। वहाँ पे डुप्लीकेट टिकट का फॉर्म होता है, वो आप भरेंगे। 50 रुपये आप एक्स्ट्रा दे के स्लीपर और सेकंड क्लास के लिए आप डुप्लीकेट टिकट ले सकते हैं। बाकी क्लासेस की अगर बात की जाए तो आपको एसी, थर्ड एसी, इनके लिए 100 रुपये देने पड़ते हैं डुप्लीकेट टिकट लेने के लिए। आप डुप्लीकेट टिकट ले सकते हैं, ये आप चार्ट बनने से पहले कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका चार्ट बन चुका है और आपकी टिकट है वो खो गई है, उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, उस स्थिति में भी आप डुप्लीकेट टिकट ले सकते हैं। रेलवे काउंटर पे जाएंगे और आप डुप्लीकेट टिकट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको डुप्लीकेट टिकट मिल जाती है, पर इस स्थिति में आपसे 50% किराया लिया जाता है। मान लीजिए आपकी 100 रुपये की टिकट है तो आपको 50 रुपये देना पड़ेगा, यानी कि आधा किराया देना पड़ेगा डुप्लीकेट टिकट के लिए। दोस्तों, अगर बात की जाए कि यात्रा के दौरान अगर आपका टिकट खो जाता है या गिर जाता है तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? मान लीजिए आपने ट्रेन ली और उसी समय आपको पता चलता है कि आपका टिकट है वो गिर गया है, और टीटी के चेक करने से पहले आपको पता चल जाता है। तो दोस्तों, उस स्थिति में जब टीटी चेक करने आता है तो आपसे पूरा किराया वसूलता है और साथ में फ़ाइन भी लेता है, क्योंकि आपके पास विंडो टिकट नहीं है। विंडो टिकट का यही नियम है, अगर आपने विंडो टिकट ली है तो यात्रा के दौरान आपके पास विंडो टिकट होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपसे किराया भी लिया जाता है और साथ में फ़ाइन भी लिया जाता है, और अपनी आइडेंटिटी है वो भी प्रूफ करनी पड़ती है, यानी आपको कोई प्रूफ देना पड़ता है, अपना पहचान पत्र या फिर आधार कार्ड देना पड़ता है, जिससे पता चले कि ये आप ही हो। वो कंफर्म कर लेता है टीटी चार्ट में देखकर, पर आपको जो टिकट है उसका पैसा देना पड़ता है और साथ में फ़ाइन भी देना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।